बनाओ। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का 2022 का ये मॉडल पेपर अपना हो जाता है किसका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हो जाता है। बस इतने ही क्वेश्चन आपको कवर करना है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखना है। इतने क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो आपका 90+% यहां से देखने को मिलने वाला है अपने एग्जाम में। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन देखिएगा और आप पेपर देने चले जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। तो बढ़ते हैं कौन कौन सा ये अपना मतलब कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसा ये मॉडल पेपर रहने वाला है जो 90% यहां से फंसने वाला है। भाई जो इस समय एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी आपको 90% प्लस देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल सही। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहां पर मॉडल पेपर 2022 का किसका, कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हो जाता है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन रखा है कंपनी के अंश क्या है, कंपनी के अंश क्या होते हैं, इसके प्रकार तथा अंश क्या है, उसका निर्गमन कैसे होता है, जो अंश है उसका निर्गमन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा अंश के हरण, जो अंश अभी हमने क्या देखा था, यहां देखा था कंपनी के अंश। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है अंश के हरण क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं तथा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जो आया था उसकी जो धारा थी 80 उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बात करते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बात करते हैं यहां पर ऋण पत्र में शोधन विधि, ऋण पत्र की जो शोधन विधि होती है उसके बारे में और इसका वर्गीकरण कैसे होता है, ऋण पत्र धारी तथा अंशधारी में आपको अंतर भी पूछ सकता है और इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, दोनों आपको याद होनी चाहिए। बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दे रखा है चिट्ठी और लाभ हानि खाते में सूक्ष्म से क्या समझते हैं, लाभ हानि खाते के सूक्ष्म जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या आस है इससे, और चिट्ठी तथा लाभ हानि खाते के बारे में आपसे डिटेल में पूछेगा। बात करते हैं यहां पर नमूना, ठीक है, उसके नमूने भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का जो हो जाता है ख्याति की परिभाषा आपको देना है, जो ख्याति है उसकी परिभाषा देखना है। और बात करते हैं आवश्यकता इसकी क्यों है, इसके कारण कौन-कौन से हो जाते हैं और अंशों का मूल्यांकन बा उसके प्रकार भी यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको देखिएगा। बात करते हैं आय मूल्यांकन विधि जो होती है, आय मूल्यांकन विधि उसके बारे में पढ़ के जाना है। और बात करते हैं यहां पर संपत्ति मूल्यांकन विधि, यहां पर क्या देखा, आय मूल्यांकन विधि, यहां हमने देखा संपत्ति मूल्यांकन विधि की कठिनाइयां कौन कौन सी, उसके दोष कौन कौन से हो जाते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। इनमें अंतर भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बन सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसके लिए। बात करते हैं कंपनी के एकीकरण क्या होता है, कंपनी का जो एकीकरण है उसके बारे में भी, एवं जो हो जाता है शबिलियन, जो संबिलियन होता है उसके बारे में, कंपनी के एकीकरण बा शबिलियन, सॉरी संबिलियन होगा, शबिलियन होगा, ठीक है, शबिलियन का क्या है इसका आपको देखना है और यहां पर उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में देख लेना है, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, क्रय प्रतिफल क्या होता है, जो क्रय प्रतिफल होता है उसके बारे में, इसकी गणना कैसे की जाती है, और आंतरिक पुनर्निर्माण है वो क्या है इसके बारे में बताना है, बहा पुनर्निर्माण के प्रकार भी आपको बताना है, दोनों को देख लेना, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण के प्रकार, ठीक है, दोनों में अंतर भी पूछ सकता है तो क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन रखा है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के बारे में यहां पर देख लेना है। और बात करते हैं मिश्रित चिट्ठी किसे कहते हैं और इसका निस्तारण जो हो जाए तुम्हारा निस्तारक, ठीक है, निस्तारक का अंतिम खाता विवरण जो होता है उसके बारे में बताना है आपके लिए, ठीक है। और हो जाता है लास्ट क्वेश्चन यहां पर, बात करते हैं पूर्वाधिकार लेन जो होता है लेनदार उसके बारे में देखना है, पूर्वाधिकार लेनदार किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन जो आते हैं, आंशिक प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखे गए हैं। तो बात करते हैं इसको, देखिएगा ये देखा है अंश पूंजी की परिभाषा, लिखेगा अंश पूंजी किसे कहते हैं, तो अंश पूंजी के भेद जो होते हैं उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन याद करना है और क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर का जो यहां पर बनने वाला है। तो बात करते हैं पूर्व अधिकार अंश क्या होता है, जो पूर्व अधिकार अंश होता है वह क्या होता है, इसके भेद इसकी विशेषताओं के बारे में
खुल के लिखना है और हेडिंग डाल के लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है अंशों का प्रीमियम, जो अंशों का प्रीमियम होता है वो क्या होता है, उस पर आपको क्या करना है, निर्गमन करना है और अर्थ भी बता देना है इसका क्या हो जाएगा हेडिंग डालकर। इसको देखते हैं नेक्स्ट, हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, ठीक है, हेडिंग को तो डालना ही डालना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर जो 2022 में छपने वाला है, तो बात करते हैं याचना, जो याचना होती है वह क्या होती है, किस प्रकार की जाती है, यह किस प्रकार की जाती है, यह आपको बताना है, उसके नियम क्या क्या होते हैं याचनाओं के, इनके बारे में आपको देख लेना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अनुपातिक आवंटन किस प्रकार होता है, जो अनुपातिक आवंटन होता है वो किस प्रकार से होता है, और अग्रिम याचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनको लेना किस कंपनी का अधिकार है, जो अग्रिम याचनाएं होती हैं उनको लेना किस कंपनी का अधिकार हो जाता है, इसको खुल के देख लेना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में छपने वाला हो जाता है, तो बात करते हैं जो बाकी याचना है उसको देखना है, जो बाकी याचना है उसको देखना है और वार्षिक आहरण के द्वारा आपको बताना है एक कंपनी परिवर्तन के बारे में, किसके, एक कंपनी परिवर्तन के बारे में देख लेना है। तो बात करते हैं यहां पर खुले बाजार से ऋण पत्रों के क्रय के बारे में आपको देख लेना है, खुले बाजार से ऋण पत्रों के क्रय द्वारा शोधन को समझाइए, सॉरी यहां पर देखा है खुले बाजार से पत्रों के क्रय द्वारा शोधन को आपको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 2021 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है और ये आपके एग्जाम में छपने वाला हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट को लाभों का पूंजीकरण अथवा बोनस अंश जो होते हैं उनके बारे में देख लेना, लाभों का जो पूंजीकरण होता है था उसके बोनस अंश होते हैं उसको देख लेना है। और बात करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है उसको देखना है और इसके आंतरिक पुनर्निर्माण का आपको गणना भी इसकी करनी है, ठीक है, आंतरिक पुनर्निर्माण की गणना भी आपको यहां पर करनी हो जाती है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 2022 के मॉडल पेपर के अंतर्गत, और बस इतना ही आपको रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, हेडिंग को तो छोड़ना ही नहीं है, थ्योरी को जितनी बार पढ़ सको मगर हेडिंग को तो 100 बार पढ़ना, ठीक है, जो कि आपको याद हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है अगर आपने इतने ही 10 से 12 क्वेश्चन रट लिए तो, ठीक है। यही क्वेश्चन छपने वाले हैं 2022 में, जब आपका पेपर आएगा तो कहां भेजना है, 70 37 32 78 38, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप पर आपको भेजना है, क्या भेजना है, अपना पेपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नीचे कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, नीचे कर रहा हूं दोबारा, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, बिल्कुल ले लिए होंगे तो ये हो जाते हैं अपने लास्ट स्क्रीनशॉट हो जाता है भाई, आपने ले लिया 2022 का, यहां पर हो जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2022 का मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है, यहां से 90%+ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन को क्या कर देना है, बेल आइकन को तोड़ देना है, लाइक को खड़ा कर देना है, ठीक है, मॉडल पेपर को रट लेना है, 2022 में टॉप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत सभी के लिए।